हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से गेमकलपीडिया में स्वागत करता हूँ। आज का जो नोटिफिकेशन लेकर मैं आया हूँ वह है DRDO के बारे में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें ह्यूज नंबर ऑफ अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई हुई हैं, चाहे वो बीटेक कैंडिडेट हों या बी कैंडिडेट हों या डिप्लोमा कैंडिडेट हों या ITI कैंडिडेट हों, सभी के लिए ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है, किस किस स्टेट में, कैसे हमें अप्रोच रखना है, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है उसका, कैसे हम ऑनलाइन फॉर्म उसका भर सकते हैं और क्या उसकी स्टार्टिंग डेट है, क्या एंड डेट है, सारे बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए पूरा, हम लोग बात करते हैं आज DRDO के बारे में। ये DRDO के जो हैदराबाद रिसर्च सेंटर है उसके लिए अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आई हुई है, जिसमें बीटेक कैंडिडेट और डिप्लोमा कैंडिडेट ITI तीनों के लिए आई हुई है नंबर ऑफ वैकेंसी। इसमें एक चीज आपको जो खास तौर पे ध्यान रखना हुआ है वो ये जो 2019, 20 एंड 21 के पास आउट कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को फिलफिल करने के लिए एलिजिबल हैं, बाकी जो 18 में पास आउट हैं वो इसको लिए फिल नहीं कर सकते, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है, तो जो बीटेक कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 40 नंबर ऑफ वैकेंसी है। और क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो बी या बीटेक की होने चाहिए या BSc होना चाहिए या BCom होना चाहिए अलग अलग ट्रेड में। और कौन कौन से ट्रेड में वैकेंसी आई है, आपके केमिकल में आया हुआ है, मैकेनिकल में आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आया है एंड कंप्यूटर साइंस में आया हुआ है, इतनी वैकेंसियां हैं। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए बारे में, तो डिप्लोमा में जो वैकेंसी आई हुई है वो सबसे ज्यादा आई हुई है 60% वैकेंसी, 60 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी आई हुई है। ये भी जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट है 2019, 20, 21 के पास आउट कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल है, ये क्लियर रूप से इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जो ट्रेड वैकेंसी है जैसे ITI वालों के लिए, ITI वाले कैंडिडेट जैसे फिटर, प्लम्बर, इनके लिए भी वैकेंसी आई हुई है, वो भी नंबर ऑफ वैकेंसी जो वो 50 है, अप्रेंटिसशिप के लिए 50 वैकेंसी इनके लिए आई हुई है। ध्यान रखें जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है वो 1 ईयर के लिए वैलिड है, मीन्स आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और उसमें कुछ स्टाइपेंड भी आपको दिए जाएंगे, जैसे बीटेक कैंडिडेट जो होंगे उनको 9,000 रुपये वैकेंसी दी जाएगी स्टाइपेंड, जो डिप्लोमा कैंडिडेट होंगे उन्हें 8,000 दी जाएगी, और जो ट्रेड वाले होंगे ITI के कैंडिडेट होंगे उनको जो गवर्नमेंट रूल्स होंगे उसके हिसाब से दिया जाएंगे, कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है इसमें। अब हम बात कर लें कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो उसके बारे में बात करें तो जो बी या बीटेक या डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनको फर्स्ट आपको क्या करना है, MHRD पे जाके फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एंड जो ITI कैंडिडेट हैं उनका जो आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और यहाँ भी लिंक हो रहा होगा कि किस साइट पे जाना है, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्स्ट आपको क्या करना है, MHRD NATS जो आपको नीचे दिख रहा है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक। दूसरे नंबर का काम क्या करना है, उसके बाद आप जो DRDO की साइट में जाएंगे, मैं आपको लिंक नीचे दे रहा हूँ DRDO की साइट, इस पर जाइएगा, वहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप फॉर्म स्टार्ट कर सकेंगे। अब फॉर्म स्टार्टिंग की डेट की बात कर लेते हैं, 25 जनवरी, मीन्स आज 23 है, 25 जनवरी से फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अप्रेंटिसशिप करने के लिए, रिसर्च सेंटर में 25 को शुरू होगा, लास्ट डेट इसका जो है वो 7 फरवरी, याद रखिएगा 7 फरवरी इसका लास्ट डेट है जिसमें करना है। अब बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है, उसके लिए इन्होंने 3 सिस्टम दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी ये अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपके बोर्ड के नंबर से कर सकते हैं, हाई स्कूल की आपने किया होगा, डिप्लोमा किया होगा उसके नंबर से, दूसरा या तो यह रिटर्न ले सकते हैं और या इंटरव्यू डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ क्लियर नहीं बोला गया है, इनमें से कुछ भी वो कर सकते हैं। तो जैसा भी डिप्लोमा कैंडिडेट अगर केमिकल के हैं तो आप अपने रिटर्न के लिए जो अपने बुक्स मैंने पहले से बता रखे हैं आप उसको एक बार रिवाइज कर लें, बहुत ही इजी आने वाला है, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है इसलिए आराम से आपके सभी लोग का हो जाएगा। ये वैकेंसी जो आई हुई है DRDO के हैदराबाद सेंटर के लिए आई हुई है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार आपने थोड़ा सा मेहनत किया है तो सिलेक्शन 100% इसमें होना ही होना है आपको। कोई भी क्वेरी इसमें आ रही हो, कोई भी तरह का डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इतने दिन जो वीडियो नहीं आ रही थी, 1-2 मंथ्स हो गए, उसका कुछ रीजन था कि कुछ मैं थोड़ा वर्क में बिजी हो गया था,
लेकिन आज से वीडियो फिर से रेगुलर स्टार्ट हो गए हैं। आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, जल्दी से जल्दी मैं उसे फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा, अपने दोस्तों में ये शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू।